हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में बात की गई है। पार्ट 14 के आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 223, जो आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 है, वो पीसीएस के बारे में बात करता है। यानी कि इसी के अंदर आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी बताया गया और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी बताया गया है। तो आखिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का काम होता क्या है? देखिए, ये भारत में सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, जो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत में ये रिक्रूटमेंट का काम कराती है सेंट्रल लेवल पे, आपकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए। और इसके बारे में जो भी बात होगी, इसके अलावा कि इनका रिमूवल कैसा होता है, टेन्योर क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, किस तरह से इनका अपॉइंटमेंट होता है, या फिर इनमें कितने मेंबर होते हैं, मेंबर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मेक रेगुलेशंस स्पेसिफाइंग द मैटर्स ऑन विच इट इज नॉट नेसेसरी टू कंसल्ट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, उनको एम्पावर किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा कि वो वैसा रेगुलेशन बनाए, उन मैटर्स पे रेगुलेशन बनवाए जिन मैटर्स पे नेसेसरी नहीं है यूनियन पब्लिक सर्विस से कंसल्ट करना। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, द रीज़न फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द एडवाइस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैव टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि वो रीज़न, यानी कि आपको वो रीज़न देना है, अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो उस रीज़न को हम लोगों को कहाँ रखना है, हाउस के समक्ष रखना है, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा के सामने उस रीजन्स को हमें रखना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट में बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, अपना करेक्ट ऑप्शन चूज कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, जो प्रेसिडेंट है वो एम्पावर किए जाते हैं रेगुलेशन उस मैटर्स के लिए जो स्पेसिफाई करता है कि कहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट नहीं करना। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, प्रेसिडेंट उन मैटर्स को बना सकते हैं, एम्पावरमेंट है प्रेसिडेंट के पास। सेकंड जो स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर एडवाइस को नहीं माना जाता यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उस एडवाइस के बारे में रीज़न बताना होता है पार्लियामेंट के पास। तो देखिए, यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आर्टिकल 323 रिपोर्ट्स के बारे में बात करता है, रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, इस रिपोर्ट में क्या होता है, बताया गया होता है कि आखिर यूपीएससी के एडवाइस को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इसको दोनों हाउस के समक्ष प्लेस करते हैं, दोनों हाउस के सामने इसको रखते हैं और इसमें वो सारा मैटर और केसेस कवर होता है, यानी कि वो एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया, उस रीज़न को इसमें बताया गया होता है और फिर उस रीज़न को क्या करना होता है, अप्रूवल मिलता है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ यूनियन कैबिनेट के द्वारा। यानी कि जो रीज़न दिया गया उसको कैबिनेट कमिटी, कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमिटी है वो अप्रूवल देती है कि हाँ ये रीज़न सही है या गलत है। तो यहाँ पे अप्रूवल चाहिए होता है कैबिनेट के अपॉइंटमेंट कमिटी के द्वारा। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात यह आती है यहाँ पे कि कोई भी इंडिविजुअल मिनिस्ट्री होती है या फिर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है, उसके पास पावर है ही नहीं कि वो यूपीएससी के एडवाइस को मना कर सके, उसके पास यूपीएससी के एडवाइस को रिजेक्ट करने का पावर नहीं है किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के द्वारा। देखिए, यहाँ पे मैं किसी मीन्स प्रेसिडेंट या गवर्नर इन सब की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे एक पर्टिकुलर किसी एक मिनिस्ट्री की बात कर रही हूँ, जैसे एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इन सारे डिपार्टमेंट्स, अगर ऐसे डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्री को मिलती है, इंडिविजुअल मिनिस्ट्री को, तो यहाँ पे इनके पास वो पावर नहीं होता है कि वो रिजेक्ट कर सके यूपीएससी के एडवाइस को। तो हमारा यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी यूपीएससी का क्या क्या फंक्शंस है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपसे यूपीएससी
कर सकती है कि फंक्शंस क्या, किसी भी बॉडी का, यूपीएससी हो या इलेक्शन कमीशन हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, किसी भी बॉडी का फंक्शंस के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन करती है, या राज्यसभा हो, लोकसभा हो या राष्ट्रपति हो, सबके फंक्शंस के बारे में, उनका वर्क क्या है, इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन करती है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूनियन में जो भी रिक्रूटमेंट होगा वहाँ पे यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, सारे के लिए नहीं लेकिन कुछ कुछ के लिए तो करवाती ही है। कुछ आपका सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए ये रिक्रूटमेंट करवाती है, सेंट्रल सर्विसेज के लिए करवाती है, या फिर कोई पब्लिक सर्विसेज हो जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव जो टेरिटरीज होती है, जैसे कि आपकी सेंट्रली पुडुचेरी हो गई या फिर अंडमान निकोबार हो गया, इन सब के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते हैं उनके लिए यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, तो आप ऑप्शन डी को यहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बाकी स्टेटमेंट में ऑप्शन 2, 3 और 4 मिलेगा। तो ऐसे में आपको टाइम बचाने के लिए क्या करना होता है कि आप पहले ऑप्शन 4 को देखिए, क्योंकि 4 केवल इसमें है, तो आप 4 को देख लीजिए। तो 4 हमारा स्टेटमेंट है, टू एडवाइस ऑन द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। देखिए उन सारे प्रिंसिपल के बारे में एडवाइस करना जिसको कि फॉलो करना चाहिए प्रमोशन और ट्रांसफ़र में, यानी कि वो सारा सिद्धांत के बारे में एडवाइस देना कि अगर आप प्रमोशन कर रहे हैं, अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए। तो इस प्रिंसिपल्स को के बारे में एडवाइस करना यूपीएससी का काम होता है या नहीं होता, ये आपको देखना है। देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट क्या है, टू एडवाइस ऑन ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि कोई भी डिसिप्लिनरी मैटर जो कि अफेक्ट करती है गवर्नमेंट के सर्वेंट को। एंड सेकेंड करा, टू एडवाइज़ ऑन मैटर्स रिफर्ड टू इट बाई प्रेसिडेंट और द गवर्नर, यानी कि वैसा मैटर के बारे में एडवाइस करना जो उसके पास रिफ़र की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर गवर्नर के द्वारा। देखिए यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट, पहले पढ़ने का ये मतलब था कि यहाँ पे जो फोर्थ है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि वो सारा सिद्धांत आपको पता होगा, यहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा कि अगर प्रमोशन करना हो, ट्रांसफ़र करना हो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए, तो वो एडवाइस देती है यूपीएससी कि उसका सिद्धांत क्या होना चाहिए, किस बेसिस पे आप ट्रांसफ़र करेंगे या किस बेसिस पे प्रमोशन करेंगे। तो फोर्थ हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से आप इजीली द ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, यानी ए को एलिमिनेट करके एंड बी को एलिमिनेट करके ऑप्शन सी तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि किसी भी डिसिप्लिनरी मैटर जो अफेक्ट करती है गवर्नमेंट सर्वेंट को, उसके बारे में भी ये बताती है, एडवाइस करती है। लेकिन ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि टू एडवाइस ऑन मैटर्स रिफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। देखिए यहाँ पे गवर्नर को अगर एडवाइस चाहिए होता है या किसी भी तरह का नीड होता है आपको ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर के, तो यहाँ पे गवर्नर क्या होती है, प्रेसिडेंट के थ्रू जाती है, डायरेक्टली नहीं। तो यहाँ पे रिफर जो होता है, रिफर्ड होता है मैटर, यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा अगर रिफ़र करा जाता है तो एडवाइस मिलता है, लेकिन यहाँ गवर्नर के बारे में बात नहीं की गई है, तो यहाँ हमारा सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा किसके बारे में है, देखिए यहाँ पे भी मेंबर ऑफ यूपीएससी के बारे में बात की गई है। तो जो मेंबर होते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा, डेबर्ड फ्रॉम रीअपॉइंटमेंट एज अ मेंबर, यानी कि जो मेंबर होती है यूपीएससी की वो रीअपॉइंटमेंट उनका नहीं हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, इन एलिजिबल फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, वो इन एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी अदर अपॉइंटमेंट के लिए सेंटर, यानी कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। थर्ड हमारा स्टेटमेंट है, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी लाइक अ गवर्नर, यानी कि वो अब किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी लाइक गवर्नर के पोस्ट पे अब वो नहीं जा सकते हैं, वो उस पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बिकमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी लाइक गवर्नर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, और आप यहाँ पे ऑप्शन भी देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है या सेकंड और थर्ड करेक्ट है। तो यहाँ पे आप पहले ऑप्शंस को भी देख करके जा सकते हैं, अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक पे जाना है तो उस पर भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, हम सबको पता है कि जो रीअपॉइंटमेंट होता है मेंबर का वो नहीं हो सकता, क्योंकि यूपीएससी को इंडिपेंडेंटली वर्क करना है, तो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने के लिए इनका जो फंक्शन होता है या फिर इनको रीअपॉइंट नहीं किया जाता है, इसके बारे में हमारा बात किया गया है आर्टिकल 319 में, आर्टिकल 319 में इसी बारे में बात की गई है कि प्रोहिबिशन एज टू द होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय मेंबर ऑफ कमीशन
ऑन सीजिंग टू सच मेंबर, यानी कि अगर वो उस पोस्ट से हटते हैं तो उनको फर्दर कहीं पे भी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता उसमें, या कहीं भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट तो हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। इस ये आर्टिकल 319 में बात की गई कि वो अदर एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उनको फिर से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती है। जो थर्ड है हमारे डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बिकमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन लाइक गवर्नर, देखिए ये आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके बारे में क्लियरली मैंशन नहीं किया गया, लेकिन इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में बताया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था, देखिए उस टाइम पे क्या हुआ था कि A.R. किदवई नाम के एक सिविल सर्वेंट को गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया था बिहार का। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि इनको एज अ गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन किसी भी तरह का अदर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनिंग में ये जा सकते हैं लेकिन किसी लाभ के पद पे नहीं जा सकते या कोई अलग एम्प्लॉयमेंट में नहीं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के तहत। तो यह हमारा थर्ड स्टेटमेंट डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, वो क्वालिफाइड होते हैं, उनको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था। तो थर्ड आप एलिमिनेट करते अगर तो आप इजीली ऑप्शन डी के पास जा सकते थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा टफ था स्टेटमेंट थर्ड। बट देखिए 1 और 2 के लिए आप तो कंफर्म हो सकते थे क्योंकि आर्टिकल 319 में ये मेंशन किया हुआ है, हमारे बुक में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन एंड रीज़न दिया हुआ है हमें। फर्स्ट है हमारा असर्शन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मस्ट बी कंसल्टेड एज रिगार्ड्स द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास ज़रूरी है कंसल्ट करना रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट के लिए, यानी कि अगर पोस्ट में आपको रिजर्वेशन देना है तो ज़रूरी है, यहाँ पे मस्ट वर्ड का यूज़ किया गया, ज़रूरी है अगर बैकवर्ड क्लास का बात आ जाए, शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब्स का बात आ जाए, असर्शन ये कह रहा है। रीज़न हमारा ये कह रहा है द फंक्शंस ऑफ द UPSC आर ओनली एडवाइजरी एंड द गवर्नमेंट नीड नॉट एक्ट अपन द एडवाइस ऑन द कमीशन सॉरी ऑफ द कमीशन इन एनी केसेस। देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी भी तरह का केस हो, देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस का काम है केवल वो एडवाइजरी नेचर की होती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ज़रूरी नहीं है अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं तो उसको फॉलो करना, यानी कि किसी भी केस में ज़रूरी नहीं है, अगर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं लेकिन इन एनी केसेस बोल रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप एलिमिनेट कर पाएंगे, यहाँ पे बैकवर्ड क्लास नहीं आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पोस्ट में रिजर्वेशन ज़रूरी है, मस्ट है कंसल्ट करना, लेकिन यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस नहीं आएगा, यहाँ पे केवल आएगा आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो फर्स्ट असर्शन तो आपका ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया, तो आपका यहाँ पे ए इज़ ट्रू बी इज़ फॉल्स, क्योंकि ए एंड बी दोनों में क्या दिया हुआ है कि दोनों ए और आर करेक्ट है, बट यहाँ पे हमारा ए फॉल्स है तो हम अपना ऑप्शन डी की तरफ जा सकते हैं, ए इज़ फॉल्ट बट आर इज़ ट्रू, यानी कि UPSC एडवाइजरी नेचर की होती है, गवर्नमेंट चाहे किसी केस में फॉलो करना तो फॉलो कर सकती है, लेकिन कोई भी ऐसा केस नहीं होता है जिसमें फॉलो करना मस्ट है उनके एडवाइस को। तो यहाँ हमारा रीज़न करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, मेंबर ऑफ UPSC होल्ड्स ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 6 years अंटिल अटेंड द एज ऑफ 65 years, यानी कि वो 6 साल तक अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं या 65 साल की आयु तक जो भी पहले हो जाए। बी है हमारा द चेयरपर्सन ऑफ UPSC इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि जो चेयरपर्सन होते हैं UPSC के वो एलिजिबल नहीं होते किसी भी फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए भारतीय सरकार के अंदर या फिर राज्य सरकार के अंदर। सी हमारा वन हाफ ऑफ मेंबर्स ऑफ UPSC शुड बी पर्सन्स हु हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years आइदर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि जो 1.5 मेंबर होते हैं UPSC के वो कम से कम 10 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एम्प्लॉयड होने चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो ऑफिस को होल्ड किए होने चाहिए। डी है हमारा द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ UPSC आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है पहली बात कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगता है अगर आप नॉट पे ध्यान नहीं देंगे आप डायरेक्टली देखेंगे ट्रू तो आपको पता है कि ए तो करेक्ट है तो आप डायरेक्टली ऑप्शन ए को टिक करके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आपसे नॉट पूछा है तो फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, हम सबको पता है कि एलिजिबल नहीं होता, हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है,
थर्ड देखिए, थर्ड क्या होता है ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई कि मेंबर्स को कितना उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए एज अ यूपीएससी का मेंबर बनने के लिए, किसी भी पर्सन के पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे केवल एक बात की गई है कि वहाँ जो भी मेंबर्स वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लगभग 9 से 11 मेंबर होते हैं, तो जो भी मेंबर वहाँ पे जाएंगे उनमें से 1/2 मेंबर क्या होने चाहिए, वो कम से कम 10 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर ऑफिस को होल्ड किए होने चाहिए। ये भी हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्थ है ये आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे फोर्थ नॉट ट्रू है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ बीन वेस्टेड इन, यानी कि जो फंक्शन होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, अगर उसको एक्सटेंड करना हो तो वो किसके पास पावर उसको एक्सटेंड करने का। देखिए पावर टू एक्सटेंड फंक्शन, इसके बारे में आर्टिकल 321 में बात की गई। आर्टिकल 321 में बताया गया है कि जो पावर होता है एक्सटेंड करने का पब्लिक सर्विस कमीशन, देखिए यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि स्टेट PCS भी और आपका UPSC भी। तो जो आर्टिकल 321 बात करता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं फंक्शंस ऑफ UPSC, यानी UPSC के फंक्शंस को वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यह हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी फॉर हुज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट अ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट इज नेसेसरी, यानी कि निम्न में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसके ऑफिस रिमूवल के लिए प्रेसिडेंट को रेफरेंस भेजना होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं UPSC का चैप्टर, तो यहाँ पे क्वेश्चंस ऑब्वियसली UPSC के बारे में रहेगा, तो आप आराम से अपना आंसर को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो थोड़ा आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न कर सकता है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनका रिमूवल किस प्रकार से होता है। देखिए इन दोनों का रिमूवल का प्रोसेस सेम है, इनका मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी होता है या जो भी इनका कंडक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन तो ऑब्वियसली चेयरमैन ऑफ UPSC हो, क्योंकि हम लोग UPSC चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे इनको हटाने का प्रोसेस क्या होता है, आर्टिकल 317 में इसके बारे में बताया गया है कि रिमूवल एंड सस्पेंशन किस प्रकार से होगा मेंबर ऑफ PSC का, UPSC हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तो देखिए यहाँ पे जो पावर होता है वो वेस्टेड होता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या करते हैं उस मैटर को रिफ़र करते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करती है कि इनको हटाना सही है या नहीं, या इनके जो ग्राउंड्स है, देखिए वो ग्राउंड्स क्या क्या है जिस पे इनको हटाया जा सकता है। वो आपका एक ग्राउंड है मिसबिहेवियर, यानी कि मिसबिहेवियर को देखा जाता है, मिसबिहेवियर के केस में इनको हटाया जाता है, तो मिसबिहेवियर आ जाएगा। इसके अलावा देखा जाता है कि जो पर्सन वर्क कर रहे हो इंसॉल्वेंट ना हो या फिर वो कोई पेड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ना हो, ये सब भी ग्राउंड होता है उनके रिमूवल का। या एक और होता है कि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो अनफिट हो कंटिन्यू करने के लिए ऑफिस को अपने माइंड से या बॉडी के थ्रू। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अपना राय रखते हैं कि वो इंसॉल्वेंट है या नहीं है, इस तरह का राय प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट के राय के बेसिस पे प्रेसिडेंट इस मैटर को भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे डिसाइड करती है, वहाँ पे एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को कि इनको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। वो एडवाइस जो होता है वो इंक्वायरी के बेसिस पे होता है, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करती है और प्रेसिडेंट को बताती है। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस होगा प्रेसिडेंट को वो मानना यहाँ पे बाइंडिंग हो जाता है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि आपको इस चेयरमैन को हटाना है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट उसको हटाएगी, अगर बोल दे नहीं हटाना है तो वहाँ पे नहीं हटाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से राय लेते हैं चेयरमैन ऑफ UPSC को हटाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मे सर्व द नीड्स ऑफ स्टेट इफ़ रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। UPSC स्टेट के नीड्स को, स्टेट की ज़रूरतों को सर्व कर सकती है अगर रिक्वेस्ट किया जाए गवर्नर के द्वारा और अप्रूव्ड हो प्रेसिडेंट के द्वारा तब। सेकेंड है हमारे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मे सर्व द नीड्स ऑफ स्टेट इफ़ रिक्वेस्टेड बाई चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट।
यूपीएससी क्या करेगी, स्टेट के जो भी रिक्वेस्ट है उसको ज़रूरत है उसको पूरा करेगी अगर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनको रिक्वेस्ट करे। सी हमारा यूपीएससी कैन नॉट सर्व द नीड्स ऑफ स्टेट, यानी कि किसी भी मामले में यूपीएससी स्टेट के लिए कोई भी काम उसके ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगी। देखिए यहाँ पे थर्ड तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि जब भी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात आती है, दो या दो से ज़्यादा राज्यों के लिए कंडक्ट करना होता है आपको पीसीएस का एग्ज़ाम, तो यहाँ पे यूपीएससी आती है, तो थर्ड तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। डी जो है हमारा यूपीएससी में सर्व द नीड्स ऑफ स्टेट सिंपली ऑन रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर एंड अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज़ नॉट नेसेसरी, यानी कि अगर रिक्वेस्ट हो जाए गवर्नर का तो यूपीएससी उनके नीड्स को सर्व करेगी, लेकिन अप्रूवल ज़रूरत नहीं होता है प्रेसिडेंट का यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप टू स्टेटमेंट में कंफ्यूज कर सकते हैं, बी भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, गवर्नर ही रिक्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पे एक बात जो है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का अप्रूवल ज़रूरी होता है यूपीएससी अगर किसी भी तरह का स्टेट के नीड को सर्व कर रही है तो यहाँ पे बस जो नॉट है, और यहाँ पे नॉट आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही यूपीएससी सर्व करती है गवर्नर के रिक्वेस्ट पे। नाइन देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंजॉइंस अपन द गवर्नमेंट टू कंसल्ट द यूपीएससी इन डिसिप्लिनरी मैटर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशन हुज इमरजेंस कैन नॉट एग्जैक्टली बी रिकॉन्साइल्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब रूल ऑफ यूपीएससी। देखिए ये स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है, यहाँ पे सिंपली ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो इंजॉइंस करती है, मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि जो यूपीएससी है वो डिसिप्लिनरी मैटर पे गवर्नमेंट को सलाह देती है, गवर्नमेंट यूपीएससी से कंसल्ट करती है किसी भी तरह के डिसिप्लिनरी मैटर्स ऑफ ऑफिसर्स के लिए। तो निम्न में से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इमरजेंस हुआ था, जो लगभग मेल खाता है यूपीएससी से, लेकिन कैन नॉट एग्जैक्टली, मतलब सेम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे, वो सेम नहीं है यूपीएससी की तरह। उसका भी काम है मेंबर्स के डिसिप्लिनरी एक्शंस को देखना, लेकिन वो सेम, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब रोल नहीं है यूपीएससी की तरह। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन होगा, पहला तो एआरसी दिया हुआ है, सेकेंड है सीबीआई, थर्ड है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और थर्ड हमारा डी है हमारा द लॉ कमीशन। तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया गया था 1964 में, एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के साथ 1964 में इसको लाया गया था, लेकिन 2003 में इसको स्टैचूरी बॉडी बनाया गया था, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसका काम भी क्या होता है ना, डिसिप्लिनरी एक्शंस को देखती है एक सिविल सर्वेंट का, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैचूरी बॉडी है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आज हम लोग 11 तक करते हैं, फर्दर हमारा एक और इसमें आएगा लेक्चर, यूपीएससी के क्वेश्चंस को ज़्यादा है चैप्टर में दिया हुआ आपका, तो हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ यूपीएससी। यहाँ पे आपको बताना है कौन यूपीएससी का फंक्शन नहीं है। देखिए हम लोगों ने पहले कर लिया कि फंक्शन क्या है, तो यहाँ हमारे लिए ईजी होगा कौन फंक्शन नहीं है। तो आप इसका करेक्ट ऑप्शन चूज़ कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहा है कि ये कंडक्ट करता है एग्जामिनेशन और अपॉइंटमेंट सर्विस ऑफ यूनियन, ये तो इसका फंक्शन है, ये हम लोगों ने पहले ही देखा था। बी हमारा इट शैल बी कंसल्टेड ऑन द ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कैसा होगा सिविल सर्विसेज के लिए, ये वो मैटर्स रिलेटेड कंसल्ट किया जाता है इनके साथ। सी हमारा इट शैल बी कंसल्टेड, मतलब इनके साथ कंसल्ट किया जाना चाहिए कोई भी डिसिप्लिनरी मैटर हो जो अफेक्ट करती है पर्सन को जो सर्व कर रहे हैं भारतीय सरकार के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत अगर जो सर्व कर रहे हैं उनका डिसिप्लिनरी मैटर हो, अफेक्ट करता है उनको, तो यहाँ पे यूपीएससी से कंसल्ट किया जाना चाहिए। डी हमारा इट शैल बी कंसल्टेड केसेस ऑफ एज रिगार्ड टू रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। देखिए इस क्वेश्चन को हमने पहले करा है, क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, एक और क्वेश्चन हम लोगों ने किया था शायद क्वेश्चन नंबर 4 था। तो देखिए यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, नॉट फंक्शन ऑफ यूपीएससी पूछ रहा है, तो कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है, यहाँ हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो बैकवर्ड क्लास होते हैं इनके पोस्ट के लिए कंसल्ट नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब केवल आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, नो क्वालिफिकेशन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर मेंबरशिप ऑफ यूपीएससी। देखिए पहले हम लोगों ने देखा है कि इनका कोई भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कि मेंबर बनने के लिए क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए।
रीज़न है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया गया है नंबर ऑफ यूपीएससी, मतलब मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी में कितने मेंबर होंगे वो फिक्स नहीं किया गया। तो यहाँ पे हमारा असर्शन एंड रीज़न दोनों करेक्ट है। जो असर्शन है, यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया है कि यूपीएससी के मेंबरशिप के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का कोई नंबर की बात की गई है। यानी कि 9 से 11 मेंबर्स रहते हैं यूजुअली, ना कि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया, कोई नंबर फिक्स नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हमारा रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है। असर्शन में क्या होता है, एक मैटर दिया गया है कि जो हाफ मेंबर होंगे, 1/2 मेंबर होंगे आपके, 1/2 वो मेंबर जो होंगे वो ऑफिसर्स होने चाहिए जो एटलीस्ट 10 ईयर्स सर्व कर चुके हों एज अ ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत या स्टेट गवर्नमेंट के तहत, जो हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो यहाँ पे असर्शन भी आपको करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, बट ये दोनों इंडिविजुअली एक दूसरे को फुलफ़िल नहीं कर रहा है। यानी कि रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपसे नंबर के बारे में बात की जा रही है, जबकि यहाँ पे मेंबरशिप के क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बोथ असर्शन रीज़न आर इंडिविजुअली ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। So this is the end of today's discussion. Hope you like it. Stay connected, stay safe. Thank you very much.